चिली चिकन बनाने के लिए मैंने पहले 200 ग्राम चिकन को मैरिनेट करके रखा था। मैं 1 egg, विनेगर, टोमेटो केचप एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट से उसे मैरिनेट करके रखी थी। अब मैं यहाँ पर सम डाइसली कट कैप्सिकम्स, अनियंस, यहाँ पर मैं 3 बड़े अनियंस ली थी, और यहाँ पर टोमेटो केचप, ये रहा सोया सॉस, बस। अब हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ। सो आपका अगर ज़्यादा चिकन है तो आप 2 या 3 बैच में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 ही बैच में कर रही हूँ, हालांकि मुझे भी करना चाहिए था 2 एटलीस्ट बैच में फ्राई। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 1 ही बैच में कर रही हूँ। चला ले इसे अच्छे से। अब ध्यान रहे ये फ्लेम सिम करके करें, एंड यस, बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि फ्लेम सिम रहना चाहिए, नहीं तो फिर जल जाएगा। मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा और तेल ऐड करके यहाँ गार्लिक्स को थोड़ा सा उसका कच्चापन हटाऊंगी। देन मैं वो जो अनियंस काट के रखी थी वो डाल रही हूँ। इसे तब तक फ्राई करें जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट एंड ब्राउन ना हो जाए, बिकॉज नहीं तो खाने में फिर कच्चा कच्चा रह जाएगा एक्चुअली। और इसके बाद हम देखिए, आप यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राउन एंड सॉफ्ट हो चुका है, पता नहीं पता चल रहा है या नहीं, लेकिन सॉफ्ट हुआ है। हाँ, और यहाँ पर मैंने कैप्सिकम मिलाया। आप साथ में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से ऑनियंस को एक्चुअली फ्राई करने से अच्छा लगता है चिली चिकन में, स्पेशली ऑनियंस फ्राइड अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर मैं फिर 2 अंडा डालूंगी। आप चाहे तो 1 भी डाल सकते हैं। और उसी में जिसमें जिस कंटेनर में मेरा चिकन था उसमें मैंने पानी मिलाया, एंड उसी में जो वो ग्रेवी बना था वो मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। ये करीब 1.5 टेबलस्पून, एंड ये टोमेटो केचप। फिर घर में केचप ख़त्म हो गया था, तो ये वही केचप है जो पिज़्ज़ा के साथ आता है, तो इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम आ गया। एंड ये नमक, अच्छा लगता है ना जब आप उसे स्टोर करके रखो वो छोटी छोटी चीज़ें, एंड फिर वो इमरजेंसी में काम आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और ये फिर मैं पानी डाल रही हूँ, या आप जितना उसका कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो उतना ऐड करें। मुझे ड्राई ड्राई चाहिए तो मैं ड्राई ड्राई रखूँगी। अब फ्राइड चिकन डाल दें। अब कुछ नहीं, बस इसे चलाना है। और हाँ, आप चाहे तो इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी किया है, लेकिन मैंने वो वीडियो में दिखाने भूल गई थी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके उसे पानी में एक सल्यूशन बना लिया है। अब मैं इसको डालूंगी, इससे एक स्मूथ टेक्सचर आता है और कुछ नहीं। बस अब चला ले इसे, हमारा चिली चिकन रेडी है।